नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं जीन्स पैंट से होने वाली हानियों के विषय में बताऊंगा कि जीन्स पैंट हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी नहीं है और इससे क्या क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जीन्स पैंट उपयोग कहाँ होता है और इसकी क्या वजह है। जीन्स पैंट पहनने की वजह है, इसका कोई शौक फैशन कुछ भी नहीं है। जिस जगह का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, मान लीजिए जीरो या माइनस में रहता है या हाईएस्ट चला जाता है तो 10-12 तक जाता है, तो 10-12 तक तो प्रायः ठंड ही होती है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है कि जिस समय हवा चलती है तो उस समय हवा इतनी कड़क होती है कि स्क्रीन चटक जाती है और ठंड से बहुत बड़ी तकलीफें होती हैं। तो अगर जो ऐसी जगह पर तकलीफ हो रही है तो उससे बचने के लिए मोटा कपड़ा पहनना पड़ेगा। नहीं मोटा कपड़ा पहनेंगे तो उससे बहुत बड़ी समस्याएं बनेंगी और जो कि हमारे लिए बड़ी ही हानिकारक सिद्ध होंगी। और जीन्स पैंट पहन लेने से क्या होता है कि वो एक तरह से एयर प्रूफ होता है। एयर प्रूफ होने से हवा नहीं जाती है, शरीर को तकलीफ नहीं होती है। अब ये रही उसकी वजह, तो ये अब कहाँ के लिए उपयोगी है। जैसे उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति है, वहाँ ठंड ज़्यादा है, और जम्मू कश्मीर वहाँ ठंड ज़्यादा है, इधर ब्राज़ील और ये क्या कहते हैं कनाडा, अमेरिका और इधर इंग्लैंड, इधर जो है ना, इधर इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ ज़्यादा ठंड है। अब आई भारत की बात, तो भारत में ज़्यादा कम से कम में टेम्परेचर होता है तो 5 तक जाता है, इससे कम जाता ही नहीं, कभी कभी 0 तक भले ही चला जाए, नहीं तो नहीं जाता है। तो ऐसे में बाकी तो वो भी ठंड में 4 महीने ठंड के, बाकी 8 महीने गर्मी के हैं, बरसात में भी गर्मी पड़ती है। तो जब ठंड के 4 महीने, तो उसमें मात्र जनवरी महीना एक ऐसा होता है कि जिसमें टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है, तो उसमें हमें आवश्यकता पड़ सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन अब हम उसे गर्मियों में पहने, जून की गर्मी में, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़त है। हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है कपड़े ऐसे हों जिसमें शरीर को हवा लगती रहे और इससे सही रहता है। अब उसमें क्या है, गर्मियों में हमने पहन लिया, पसीना इतना होता है कि अंदर अंदर पैरों में बहता हुआ जाता है। मैंने पहन के देखा है, सादा पैंट था, उसमें भी ये समस्या होती है कि पसीना बह करके अंदर अंदर जाता है और सूख नहीं पाता, 50 बातें। तो ऐसे ठंडे इलाकों की चीज़ गर्म इलाके में यदि पहनी जाएगी तो उससे कोई हानि नहीं। ये तो रही पहनने की हानि। अब इससे असुविधा ये है कि उससे हम चैन से बैठ नहीं सकते, हर जगह पर हम बैठ नहीं सकते। हमारा आयुर्वेद कहता है भोजन करो तो ज़मीन पर बैठ के करो, नहीं तो वो तकलीफ देता है। अब पैंट हमारा जो है वो ज़मीन पर बैठने के लिए आदेश ही नहीं देता, क्योंकि वो ऐसा इतना फिट होता है कि वो उसको हम पहनेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइट होता है। अब इसको लड़कों को क्या परेशानियाँ हैं, लड़के क्या करते पहनते हैं जीन्स, इसके बाद उनको लघु शंका वगैरह जाना है तो अब वे बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि बैठने के लिए आदेश देते ही नहीं जीन्स। तो जब वो बैठ नहीं सकते हैं तो उसके लिए अब वे खड़े खड़े ही सब कुछ अपना करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र हमारा कहता है कि खड़े खड़े लघु शंका करना ये बहुत बड़ी तकलीफ देता है। तकलीफ क्या देता है कि जिन वाहनियों से मूत्र विसर्जन होता है तो उनमें सिम्टन आती है, और सिम्टन आएगी तो निश्चित है कि जगह कम पड़ेगी। जगह कम पड़ेगी तो शरीर को प्रेशर अधिक देना पड़ेगा, प्रेशर अधिक देने से कई एक समस्याएं बनती हैं। अगर जो वही बैठ करके करते हैं तो कोई भी नस में से सिम्टन नहीं होती, एकदम नस खुली होती, उसमें प्रेशर नहीं होते, खुल करके हर समस्या इस समस्या से निपटारा पाया जाता है। अब ये हमारा आयुर्वेद कहता है, लेकिन जीन्स पैंट इसके ठीक विपरीत जाता है। अंग्रेजों ने तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी जिनको हमें बताते हुए भी थोड़ी लज्जा का अनुभव होता है। अंग्रेजों ने महिलाओं को भी खड़े खड़े ही समस्या निपटारा का कुछ यंत्र बनाया है, क्या बनाया भगवान जाने।
आयुर्वेद हमारा कहता है बैठ करके, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बैठ करके ही समस्या से निपटना चाहिए, लेकिन अंग्रेजियत कहती है कि खड़े खड़े करो। ठीक उल्टा, माने आयुर्वेद के शास्त्र के ठीक विपरीत नियम है, और ये हमारे लिए शरीर में तकलीफ दे होता है। ये हो गई समस्या एक छोटी सी। अब माताओं को क्या समस्या होती। मैं एक बार गया आश्रम में, वहाँ भोजन चला रहा था, तो एक लड़की आई, वो बैठ गई तो बैठ नहीं पाई, वो ऊँट की तरह अपने पैर टेढ़े करके जैसे तैसे एक हाथ जमीन पर टिका के ऊँट की तरह बैठ करके, और उसने जैसे तैसे भोजन किया। अब जरा सोचो, जो व्यक्ति आसानी से भोजन के लिए नहीं बैठ सकता है तो अन्य जगह कैसे बैठ पाएगा, जबकि हमारा नियम ये है कि शरीर को जैसा हम इस्तेमाल करेंगे वैसा ही बन जाता है। जैसे ढोलक मास्टर होता है, तबला मास्टर, वो हमेशा रोज उंगलियों को चलाता है ताकि उसकी उंगलियां जाम ना हो। अब जब वो पैर हमारे पूरी तरह मुड़ नहीं पाएंगे जीन्स पैंट से, तो हमारे पैर वहीं पर जड़ हो जाते हैं। अब तकलीफ क्या होती है कि अब ये आगे आने वाले 40-45 साल की उम्र में उनका स्लोवियल फ्लूट कम पड़ जाएगा, जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं। वो स्लोवियल फ्लूट कम पड़ गया तो अब उनको बैठने में बहुत बड़ी तकलीफ होती। माताओं को देखा बगैर कुर्सी के भोजन नहीं कर पाती हैं मैंने, और पंजाब से ही देखा मैंने, ये भी एक नियम है। तो वहाँ पर बैठ के इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनका स्लोवियल फ्लूट कम हो गया है, जिसको ग्रीस कहते हैं, वो कम हो गई, अब वो बैठने नहीं देती। तो अगर जो पहले से ही इसकी इसका अभ्यास किया जा रहा है ना बैठने का, तो भविष्य में क्या क्या होगा इसको आप खुद सोच लो। और इससे अब दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या इसमें ये है कि माताओं को एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है यूट्रस। यूट्रस एक ऐसी चीज़ होती है, इसकी बड़ी विचित्र इसकी प्रक्रिया है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ज़रूरत पड़ने पर सिमट जाना और ज़रूरत ख़त्म होने पर जब जैसी आवश्यकता पड़े तो इसको फूल जाना, फिर समेटना, फिर फूलना, ये इसका नियम होता है। क्योंकि बच्चा है, पेट में बड़ा होगा, फूलेगा और बच्चा का जन्म हो जाएगा तो छोटा हो जाना, इसका नियम ये है। तो फ्लेक्सिबल रहना इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय भी इसको कम ज़्यादा होने की आवश्यकता होती है। अब इसको अगर जो हम इसके लिए फ्लेक्सिबल रखने के लिए कुछ काम करने पड़ते, जैसे कि बैठ करके चटनी पीसना पत्थर पे, या फिर गांव में माताओं को चक्की चलाना या अन्य कोई काम करना। अब जरा सोचो कि जिस पैंट को पहन करके ढंग से भोजन नहीं किया जा सकता, तो उसमें कब हम चटनी पत्थर पे पीस पाएंगे, कब उसकी चक्की चल पाएगी, कब उसका यूट्रस का वो क्या कहते हैं व्यायाम होगा। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जड़ता आ जाती है। और जड़ता आने से क्या होता है कि जब उसको बच्चे को जन्म देने की वारी आती है तो उस समय जड़ता होती है, और ऐसे में क्या होता है कि उसको वो जो फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसको बच्चे को जन्म देने में उसको फिर ऑपरेशन डिलीवरी मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म है। और मजबूरन जब बच्चे को ऑपरेशन डिलीवरी से जन्म देना पड़ता है तो अब इससे हानियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। क्या क्या हानियां, वैसे इसमें मैंने वीडियो बना के रखी है, ऑपरेशन डिलीवरी की हानियां आप देख सकते हैं, नहीं तो कुछ संक्षेप में बता दूं। इससे जीवन भर माता को तकलीफ उठानी पड़ती है। अब वो या माता फिर दो ही रास्ते रह जाते, या मरे या फिर घर वालों को रोज मारे, क्योंकि वो दवाई कराते परेशान, उसका दर्द देखते परेशान, सारी बातें, घर वाले परेशान रहेंगे क्योंकि उसको जीवन भर का दर्द उसको मिल जाता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जीन्स पैंट पहनने से हमेशा यूट्रस के होने वाले व्यायाम पर बहुत बड़े बाधा पड़ती है, और बाधा पड़ने से बहुत बड़ी जीवन की समस्या है। जो अभी शौक में पहन रहे तो उनका परिणाम बहुत अंत में बुरा होने वाला है। अब आप समझ जाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो समय आपको समझा देगा, और फिर ऐसे टाइम पर समय समझाएगा जब कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, तो उसमें केवल आपको डॉक्टर का इशारा बचेगा। अपने घर की कमाई को डॉक्टरों के यहाँ कमाते रहो, केवल डॉक्टरों को दो, खाने पीने के लिए वो ना खा सको, कमाई जितनी है वो सब डॉक्टर खाएंगे। तो इसलिए अभी समझ जाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो कोई बात नहीं, समय आने पर समझ जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए एक निवेदन करूँगा
कि अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें तो कर लें, और यदि आशीर्वाद स्वरूप लाइक कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपकी खुशी। बस आपसे यही एक निवेदन करना था, सो आपसे मैंने कर दिया। बाकी आपकी खुशी, मानो तो मान जाओ, ना मानो तो मत मानो। बाकी राम राम, जय हिंद, नमस्कार।